हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आज आपके साथ लेकर आई हूँ थ्रेडिंग, ट्विजिंग और ब्लीचिंग का पार्ट सेकंड। इसमें आगे फर्दर हम जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में थ्रेडिंग और ट्विजिंग क्या होता है और उसके जो है क्या कॉन्ट्रा एक्शंस रहते हैं करने पर। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखने से पहले थ्रेडिंग ट्विजिंग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उस वीडियो को पहले जरूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को शेयर किया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें और उसे देखें। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लीचिंग की ओर। तो ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग एक प्रोसेस है ऑफ लाइटनिंग ऑफ द स्किन बाय यूजिंग ब्लीच क्रीम्स। ठीक है, कोई भी ब्लीच क्रीम को यूज़ करके आप जो है ब्लीच कर सकते हो। इसका काम क्या है कि आपके स्किन के हेयर्स को डीकलरेशन करता है। केमिकल मतलब है, डीकलरेशन का मतलब होता है कि आपके बालों का जो कलर होता है वो स्किन टोन से मैच कर देता है, मतलब ब्लैक से डार्क कलर से लाइट कलर कर देता है। साथ ही ब्लीच क्या करता है, ये डार्क स्पॉट्स कम करता है, आप लोगों के डेड स्किन से होता है उसको रिमूव करता है, टैन रिमूव करता है, आपके स्किन से पैचेस होती हैं अगर आपके स्किन पे उसको रिमूव करते, इवन आपकी जो पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पर उसको भी लाइटन करता है। ब्लीच जो है वो हेयर को रिमूव नहीं करता है। कहीं लोगों को गलतफहमी होती है कि ब्लीच से जो है हमारे बाल हट जाते हैं। एक्चुअल में ब्लीच से बाल हमारे हटते नहीं हैं, ब्लीच से सिर्फ इतना होता है कि आपके जो ब्लैक हेयर्स होती हैं, डार्क ब्लैक हेयर्स होती हैं हमारे स्किन पर, वो किस कलर के हो जाते हैं, एज इक्वल टू स्किन कलर के हो जाते हैं, जिसे कई लोग गोल्डन टोन भी कह सकते हैं या स्किन कलर टोन के हमारे हो जाते हैं। ना ही ब्लीच से बाल रिमूव होते हैं, ना ही ब्लीच से नए बालों ग्रो करते हैं, ना नए बाल आएंगे ना पुराने बाल कहीं जाएंगे, बस जो पुराने बाल हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, उसे कहते हैं ब्लीच। अब ब्लीच जो है कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको और कहीं और साइट्स पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, कुछ बुक्स में बहुत तरीके की दे रखी हैं, पर इन प्रेजेंट जो अब रह गई हैं वो तीन तरीके के। पहली है क्रीम ब्लीच, जो बहुत पॉपुलर ब्लीच है। सेकेंड है इज़ अ पाउडर ब्लीच, ये भी बहुत पॉपुलर ब्लीच है, और लेकिन ये जो है प्रोफेशनल यूज़ के लिए ही होती है पाउडर ब्लीच। नेक्स्ट इज़ ऑयल ब्लीच, ऑयल ब्लीच भी प्रोफेशनल यूज़ के लिए होती है। जो चलिए जानते हैं कि इनके बारे में। फर्स्ट इज़ क्रीम ब्लीच। अब क्रीम ब्लीच क्या होता है? क्रीम ब्लीच में दो कंपोनेंट्स होती हैं, फर्स्ट इज़ क्रीम एंड सेकेंड इज़ एक्टिवेटर। इसके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं जो मिक्स करके बनाए जाते हैं। देखिए, अब आप एक्टिवेटर जो होता है इसके अंदर बहुत ध्यान से डालना पड़ता है। ब्लीच की जो है ब्लीच कैसे करनी चाहिए, इसका वीडियो मैंने आपको पहले अपलोड कर रखा है। अगर आपको ब्लीच करना नहीं आता है, कैसे करें कैसे ना करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बहुत आपको डीपली बता रखा है, तो मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन को प्रेस करिए, ऊपर आई बटन होता है उसको प्रेस करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है। तो आप जानते हैं क्रीम ब्लीच, क्रीम ब्लीच में क्या होता है कि एक पिंच ऑफ एक्टिवेटर आपको अपनी क्रीम में डालना होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको क्रीम कितनी लें और एक्टिवेटर किस हिसाब से डाला, क्रीम कितनी ली आपने एक्टिवेटर, तो वो सब कुछ मैंने आपको अपनी उस वीडियो में बता रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये जो है कम से कम 10 से 15 मिनट लगानी पड़ती है। हाँ, डिपेंड करता है ये आप लोगों की स्किन पर, स्किन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है तो बहुत देर कम देर के लिए लगती है, उस हिसाब से आपका एक्टिवेटर मिलेगा और सब कुछ होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट इज पाउडर ब्लीच। पाउडर ब्लीच जो होती है वो अप्लाई की जाती है ऑन द फेस आफ्टर मिक्सिंग द ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोजन।
लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और उसको मिला के पेस्ट बनाया जाता है। जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक पाउडर फॉर्म में आता है और इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है, इसलिए कहा जाता है ये जो है प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आप घर में यूज़ नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल्स को ही पता होता है कि कितना इस लिक्विड को मिलाना है, गलती से भी ज़्यादा हो गया तो आपके स्किन पे रैशेस बढ़ सकते हैं, तो इसको घर में करना अवॉइड करें। इससे क्या होता है, इस ब्लीच को करने से डार्क स्पॉट्स होते हैं आप लोगों के, वो सब रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ऑयल ब्लीच की। ऑयल ब्लीच क्या होता है, ब्लीच हेल्प्स टू इन्हांस द टोन ऑफ स्किन बट इन केस व्हेन द क्लाइंट हैज एक्सेसिव ड्राई स्किन टेक्सचर यूज ऑयल एंड ब्लीच। देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई स्किन होती है, इन द सेंस कि उनकी जो स्किन पे होते हैं ना ड्राई पैचेस होते हैं, ड्राई पैचेस होते हैं, इनकी स्किन बिल्कुल फटरी होती है, तो उन लोगों के लिए हम ऑयल ब्लीच का यूज़ करते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, ये ऑयली स्किन के लिए ब्लीच नहीं है। अगर ऑयली स्किन इसको ब्लीच करेगी तो उसको जो है पिंपल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो ऑयली स्किन के लिए तो क्रीम ब्लीच हो गया या फिर आप पाउडर ब्लीच जो है आप सैलून में जाके करवा सकते हैं आराम से। तो जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राई स्किन होती है उनके लिए ऑयल ब्लीच होती है। इस तरह से ये सब ब्लीचेस की जाती हैं। और ब्लीच आप जो क्रीम ब्लीच है वो आप घर में भी कर सकते हैं, तो उसको कैसे करना उसका लिंक मैंने आपको बता दिया है, आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन ऑफ ब्लीच। आप ब्लीच करते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, फर्स्ट इज आपको हमेशा प्रोडक्ट जो है वो चेक कर लेना चाहिए कि आपको कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा, एलर्जी तो नहीं कर रहा। अब आप चेक कहाँ पे करेंगे, या तो अपने कान के पीछे या फिर अपनी एल्बो पर चेक कर लीजिए थोड़ी देर प्रोडक्ट को लगा के कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो आप उस ब्लीच को अपने फेस पर आराम से कर सकते हैं 24 आवर्स के बाद। ब्लीच करने के बाद कभी भी आप सूरज की रोशनी में नहीं जाएंगे, 24 आवर्स तक आप लोगों को सूरज की रोशनी में नहीं जाना होता है। अगर ब्लीच करने के बाद 24 आवर्स के बाद जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर आप उससे पहले जाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो टैन हो जाएगी और ज़्यादा डार्क लगने लगेगी। देखो होता क्या है, ब्लीच करने के बाद आप लोगों की स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सबसे अच्छा है कि आप हमेशा ब्लीच करने के बाद पैक को ज़रूर लगाएं ताकि आपके जो स्किन के पोर्स ओपन हुए वो क्लोज हो जाएं। नेक्स्ट इज ब्लीच को जब भी आप लें, किसी भी कंटेनर में लें, वो मेटल का नहीं होना चाहिए, किसी भी मेटल का नहीं, हमेशा ब्लीच को प्लास्टिक के बाउल में ही लें और उसे अप्लाई करें अपने फेस पर। कंटेनर हमेशा प्लास्टिक का ही होना चाहिए। डोंट यूज़ ऑन एक्सफोलिएटेड स्किन। अगर देखो आप लोगों ने फेशियल कर लिया, हमेशा एक बात को ध्यान का रखो कि ब्लीच हमेशा फेशियल या क्लीनअप से पहले होता है, ना कि बाद में। अगर आपने अपने फेस पे स्क्रब कर लिया, फेशियल कर चुके हो और फिर ब्लीच करोगे तो आपके स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, तो हमेशा ब्लीच को पहले करना है उसके बाद आपको फेशियल करना है। चाहे आप थ्रेडिंग कर रहे हो या प्लकिंग कर रहे हो, तो थ्रेडिंग और प्लकिंग करने से पहले आपको ब्लीच करना है, ना कि बाद में। क्यों? देखो थ्रेड करते हो तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, वहाँ से आपके बाल निकलता, आपको पहले दर्द हो रहा होता है, और उस पर अगर आप ब्लीच लगाओगे तो क्या होगा, वो आपके वहाँ पे रैशेस कर देगा और ज़्यादा पेन कर देता है। तो इसलिए थ्रेडिंग और प्लकिंग से पहले आप ब्लीच करोगे फिर थ्रेडिंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली यूज़ ब्लीच जो है हमेशा खाली कहाँ पे यूज़ करनी है, अपने फेस पे और अपने फुल बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हो, पर अपने बालों पे यूज़ नहीं करना है। अगर आप इन ब्लीचेस का यूज़ अपने बालों पे करोगे तो क्या होगा, बाल ख़राब हो जाएंगे आपके, क्योंकि बालों के जो आपका टोनर चेंज डीकलेशन के लिए कलर अलग आता है। तो गाइस मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। बाय बाय।